वेलकम वंस अगेन टेन सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 4 और टेंस नंबर 3। और ए टेंस है हमारा फ्रेंड्स परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ये टेंस के बारे में हम आज डीप में सीखने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर, एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसका रूल्स और रेगुलेशंस, उसकी नॉट्स और सारी बाबत हम इस वीडियो के माध्यम में सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की इस सीरीज में अब जब आप सीखने जा रहे हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो आपको सीखना चाहिए पहले सिंपल और कंटिन्यू, वो टेंस क्या है, इस टेंस के बारे में क्या क्या डीप में पढ़ाया है, वो सब हमने आगे की वीडियो में बताया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो जाके देखिए, सीखिए, पढ़िए और समझिए, इसके बाद ये वीडियो आप शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 4 और टेंस नंबर 3, द परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यानी कि जब भी हमारी एक्शन, कोई भी क्रिया हम पूर्ण होती है, फिनिश करते थे, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट। यानी कि जस्ट मैंने अभी खाया है, जस्ट मैंने ये किया है, अभी अभी वो एक्शन की घटनाएं हमारी पूर्ण हो चुकी है, यानी कि हमारी जो भी एक्शन नजदीक के काल में पूरी हुई है, ये अवस्था हम दिखाने के लिए परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल और इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर यानी कि एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। एसर्टिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के बाजू में हम रखेंगे हैव और हैज, ठीक है, हैव और हैज। सिंपल में हम क्या रखते थे, सिंपल ही होता था, नेगेटिव में डूडोज होता था, कंटिन्यूज में एम इज आर टू बी यूज होता था, और परफेक्ट में फ्रेंड्स हैव और हैज हम इस्तेमाल करते हैं। हैव और हैज के बाजू में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। वर्ब का क्या फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। और ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स, ये थर्ड फॉर्म V3 बोला जाता है, शॉर्ट में हम ये V3 का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो V3 है उसके बाजू में हम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और ये हमारी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पूरा हुआ, ये हमारा एसर्टिव है। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई चेंज नहीं करना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, तब फ्रेंड्स नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमें हैव और हैज के बाजू में हमें क्या रखना है, तो नॉट रखना है, तो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा हुआ नेगेटिव फॉर्म्स। ओके फ्रेंड्स, तो वही जब हम नेगेटिव फॉर्म में से इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब आते हैं, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमें क्या सुधार करना है, क्या चेंजेस करने हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ वी हैव टू पुट हैव और हैज इन कैपिटल फॉर्म्स फर्स्ट और WH। ओके, WH और कैपिटल फॉर्म में हम लिखेंगे हैव और हैज, ठीक है। हैव और हैज के बाजू में सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क्स फ्रेंड्स। तो ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। तो एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तीन स्ट्रक्चर हमने देख लिए हैं। वो तीनों तीन जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के जरिए हमें अ सेंटेंस का फॉर्मेशन सीखना है। लेकिन आपको एक प्रश्न होता होगा, सर ए हैव और हैज कहां पे रखे, तो वो हैव और हैज का एक ही रूल्स है। आगे से हम पढ़ते आ रहे हैं, वीडियो 1, एपिसोड 1, एपिसोड 2 और 3 में हमने देखा है कि सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के फॉर्म में जब भी आई वी यू धे ये आता है, तब
आई व्यू दे के बाजू में हम क्या लिखेंगे, हैव, हमें हैव का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हैव इस्तेमाल करेंगे। और सिंगुलर यानी कि ही शी इट, थर्ड पर्सन, ही शी इट, और थर्ड पर्सन के बीच में बाजू में हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हैव और हैज कहाँ इस्तेमाल करना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हैव और हैज का इस्तेमाल हम अच्छी तरह से करेंगे और एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं। तो लेट्स परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम आई से शुरू करते हैं, आई हैव ईट मैंगो। तो हम यहां पे ईट वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, आई हैव ईटन मैंगो, हम ईट फर्स्ट यानी कि सिंपल अवस्था में इस्तेमाल करते हैं, ईटिंग आईएनजी, सेकंड कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, और थर्ड फॉर्म ईटन हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में, यानी कि हमारी जो खाने की एक्शन है वो कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो आई हैव ईटन मैंगो, ये हमारा फॉर्म हुआ एसर्टिव। नेगेटिव, नेगेटिव में हैव के साथ हम क्या रखेंगे, नॉट, आई हैव नॉट ईटन मैंगो, नॉट यानी कि नॉट के बाजू में जो ईट है उसका ईटन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाता है विथ थ्री, वर्ब थ्री, ठीक है। और हम इसे इंट्रोगेटिव में लेते हैं तो हैव आई ईटन मैंगो क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इस तरह से हमारा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें हम हैव और हैज के जरिए ये सीखते हैं। एक एग्जाम्पल हम हैज वाला भी ले लेते हैं, हैज, इट हैज फिनिश्ड द वर्क, इट हैज नॉट फिनिश द वर्क, इट हैज इट फिनिश द वर्क। तो यहां पे हम एसर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वो तीनों में हमने जो हैज के साथ एक्शन रखी है वो हमारी थर्ड फॉर्म हुई, यानी कि फिनिश, FINISHED, यानी कि फिनिश्ड, ठीक है। तो वो हमारी एक्शन होती है, ठीक। तो इस तरह से हम कई सारे एग्जाम्पल के जरिए हम इसे दोहराएंगे, पढ़ेंगे और सारे एक्शन अच्छी तरह से हम सीखेंगे। कोई भी आपको प्रश्न हो, आपको जो कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी आप प्रैक्टिस करो, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहो।